जुनैद नासिर हत्याकांड जो हुआ था, मैं कह रहा था कि जो घाटमी का प्रकरण में पीड़ित जो अपराधी पक्ष से 3 लोग गिरफ्तार हुए, वहीं पुलिस जो जुनैद नासिर हत्याकांड जो हुआ था उसमें अब पुलिस प्रशासन ने 54 लोगों पर FIR दर्ज कर और जुनैद नासिर के चचेरे भाई को जेल में डाल रखा है। सर, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? जी, राजस्थान CM अशोक गहलोत साहब से एक बंदा सवाल करता है, नासिर और जुनैद के परिवार के लिए बताइए, जाबिर को गिरफ्तार कर लिया है, 54 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस बात को सुनने के बाद CM अशोक गहलोत कहते हैं, आपने कहा है पता करेंगे, इससे बेहतर तो यह है CM साहब आप चूड़ी पहन लीजिए। जब कन्हैया लाल की बात आती है तो आप 50 लाख रुपए लेकर उसके घर पहुँच जाते हैं, लेकिन जब नासिर जुनैद और मौसम की बात आती है तो आप खामोश हो जाते हैं। CM साहब, हमें पता है किसान सभा आप कर रहे हैं, महंगाई को कम कर रहे हैं, लेकिन आपसे पूछना चाहते हैं आखिर आप इस महंगाई को कम किसके लिए कर रहे हैं? जब इस देश के अंदर इंसान सुकून से सुरक्षित नहीं रह सकता तो आप ये महंगाई कम किसके लिए कर रहे हैं, लेकिन आप कब इंसाफ दोगे नासिर और जुनैद को? दोस्तों, आपने सुना होगा CM अशोक गहलोत साहब से जब सवाल किया नासिर जुनैद का तो उसने जवाब में कहा कि आपने कहा है जांच करेंगे। दोस्तों, आपके लिए एक बात और बता दूं, नासिर और जुनैद के इंसाफ के बजाय नासिर और जुनैद का चचेरा भाई जाबिर को भी विधायक ने गिरफ्तार करवा दिया है, ये जाबिर का कहना है। आप इस विधायक को किस नजरिया से देखते हैं, या आप कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। अगर आप भी चाहते हैं नासिर और जुनैद को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नासिर जुनैद और मौसम के लिए कमेंट में एक बार इंसाफ आप जरूर मांगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वक्त की सरकार को पता चले नासिर जुनैद के बारे में, बजाय उनको इंसाफ मिलने के उनके चचेरे भाई को गिरफ्तार करवा दिया है और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। इस वीडियो को इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बने रहिए आप हमारे YouTube चैनल से, क्योंकि मैं आपके लिए लाता हूँ सबसे पहले मेवात से जुड़ी हुई न्यू अपडेट।